अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम हम आज़ादी मार्च में शामिल हैं और ये आज़ादी मार्च जो है रवा दवा है अपनी मंजिल की जानिब। इस टाइम हम शाहदरा चौक में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आवाम पर ठाठे मारता समंदर है और आपको मेरे बैकग्राउंड में पीछे इमरान खान साहब का कंटेनर भी नजर आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर शाहदरा के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा कारकुन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या जज्बात हैं, कैसा पावर शो चल रहा है और की करना है जनाब, इतने की जज्बात है, की माहौल है। असी अब वोटर गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ हाँ और असं चाहते हैं कि इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा वजीर आजम बने और जिस तरह आवाम की खिदमत कर रहा है और मुल्क में जरा इन्हें जखड़े होया वापस दोबारा मजबूत कर रहा है और पूरी दुनिया के पाकिस्तान की इज्जत बढ़ा रहा है, उस तरह ही इज्जत बढ़े पाकिस्तान की, जिस तरह कोशिश कर रहा है दिन रात पाकिस्तान को कामयाब कर रहा है और मशीयत मजबूत कर रहा है, होनी चाहिए। ये चोर असं पहले भी 3 साल देखे ने, इन्हों वोट भी देते रहे, इन्होंने नाल भी चलते रहे, लेकिन इन्हें मुल्क को नुकसान किया और आवाम का नुकसान किया। ये साड़ी आवाम बेरोजगार हो गई है, साढ़े नौजवान नस्ल रोजगार कोई नहीं, नौकरियों वास्ते बरूने मुल्क में जाते हैं और बरूने मुल्क जाके भी उन्होंने मजदूरियां कर अच्छी नौकरी नहीं मिलती। असं चाहते इमरान खान वजीर आजम बने और पाकिस्तान की इज्जत बढ़े और पाकिस्तान की पूरी दुनिया की इज्जत हो और नौजवानों को रोजगार मिले और आने वाली नस्ल जड़िया ने वो अच्छी जिंदगी गुजार सकन। इंशाल्लाह इस मकसद लिए असं इमरान खान के नाल हाँ और अपनी माल जान की परवाह ना करद्या हो इमरान खान की आवाज़ से लबै करने और इंशाल्लाह हर उस वास्ते तैयार हैं जी कॉल इमरान खान करेगा, असं आमीन आखांगे। भाईजान ताडे लई शबाज शरीफ ने रहा सुनाउल्ला ने जरदारी ने बड़े बेहतरीन किस्म के शैल तैयार किए हैं और गोलियां भी तैयार की रबड़ दी तुम मारन लई, उन्होंने की पैगाम देना चाहते हो? जी आवाम निकली है ना है मौत तो डरती है, मौत आनी जरूर है, मौत पर हक है, मौत आएगी लेकिन उदो आएगी जो अल्लाह का हुक्म होगा, उस तो बगैर नहीं आ सकती। और ये जो बगैरत हुक्मरान मनशियात फरोश हुक्मरान बने खलोते ने, असं इन दी आप इमरान खान अगे हो के इन्होंने हर तरह का मुकाबला करा, जो इमरान खान की जरूरत नहीं और इंशाल्लाह हर उस जगह से मुकाबला करा जिसे सानू आवाज़ देते असं हाजिर हाँ, साडा खून हाजिर है, लहू हाजिर है, असं इस मुल्क लिए कुरबानी देने लिए तैयार हाँ, जिस तरह अरशा शरीफ ने कुरबानी दी है असं भी इंशाल्लाह कुरबानी देंगे। अरशा शरीफ का खून रहेगा तो नहीं जाएगा? अरशा शरीफ का खून ना इंशाल्लाह ताला ये खून शहीदा का खून है, रंग लैके आएगा, ये रंग लैके आएगा और अल्लाह ताला इतने इंसाफ का निजाम कायम करेगा इंशाल्लाह। असं अल्लाह को उम्मीद रखने कि अल्लाह ताला ने एक मरते मजाद पैदा किया इमरान खान की शक्ल जरा इतने इंसाफ का निजाम कायम करेगा और जुल्म का निजाम मिट के रहेगा। बहुत शुक्रिया भाई जान जी, नानक ने देखा कि तरीके इंसाफ कारकुन ने अपने जज्बात का इजहार काफ़ी अच्छे अंदाज से किया है, मैं उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आएगा, अपना ख्याल रखो, पाकिस्तान जिंदाबाद।